राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में प्रभावी कार्रवाई करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इसके लिए विशेष प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। शामली कलेक्ट्रेट सभागार में महिला जन सुनवाई समीक्षा बैठक को संबोधित करते हुए राज्य महिला आयोग की सदस्य डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने महिला से संबंधित करीब 12 प्रकरणों की सुनवाई करते हुए अधिकांश शिकायतों पर जरूरी जांच करने के लिए 181 आशा ज्योति महिला हेल्पलाइन को निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं के उत्पीड़न के मामले में प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ऐसे लोगों को सबक मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं की सुरक्षा के प्रति गंभीर है और इसके लिए विशेष प्रयास भी कर रही है। उन्होंने कहा कि महिला का उत्पीड़न किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई अमल में लाई। डॉक्टर प्रियंवदा तोमर ने कहा कि 7 मार्च 2018 को महिला जन सुनवाई की बैठक हुई थी जिसमें 12 प्रकरणों की जांच कर उनका निस्तारण किया गया। उन्होंने महिला जन सुनवाई में प्रकरण की जांच निष्पक्ष ढंग से करने के भी निर्देश दिए हैं। इस प्रोग्राम में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और दिलचस्प खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।